हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बी रेडी टू लर्न विद रोमा तिवारी टुडे आई एम हियर विद अ न्यू पोम दैट इज़ बिली रैबिट टू मेरी रिटर्न बाय एलिजा ले कैबो पॉलेंड स्टूडेंट्स बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन लेट मी जस्ट टेल यू अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेज दिस पर्टिकुलर पोम इज रिटर्न स्टूडेंट्स एक्चुअली होता क्या है कि एक बच्ची है जिसका नाम मेरी है उसे उसके एक फ्रेंड ने एक रैबिट दिया हुआ है एंड द नेम ऑफ दैट रैबिट इज़ बिली मेरी जो उस रैबिट की केयर टेकर है वो बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखती है बट द मोमेंट रैबिट गेट्स चांस ही एस्केप्स फ्रॉम मेरीज हाउस ओके और फिर वो जब अपने जंगलों में अपने घर पे चला जाता है अपने एरिया में वो रैबिट चला जाता है तब वहाँ से वो मेरी को लेटर लिखता है सो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पोम इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेटर और Uh, ये लेटर किसने लिखा है बिली रैबिट ने लिखा है किसको लिखा है मेरे को लिखा है नाउ लेट स्टार्ट एक्सप्लेनेशन आर्टिशोक वुड्स वुड्स कहते हैं जंगल को फॉरेस्ट को ठीक है तो अब यहाँ से मैं क्या पता चल रहा है कि बिली द रैबिट वो अपने जंगलों में पहुँच चुका है एंड ही इज़ राइटिंग द कंटेंट फ्रॉम देयर यू थाट माई डियर मेरी यू हैड बिली फास्ट बट आई ट्राइड वेरी हार्ड एंड एक्सकेप यू एट लास्ट यहाँ पर uh, बिली जो रैबिट का नाम है वो कहता है कि मेरी हम दोनों बहुत क्लोज थे यहाँ पर फास्ट का मतलब है क्लोजनेस से ठीक है हम दोनों बहुत क्लोज थे तुम्हें लगता है कि बिली रैबिट जो है वो तुम्हारा बहुत अजीज़ था वो बहुत ही क्लोज था लेकिन फाइनली क्या होता है वो तुम्हारे पास से चला जाता है स्केप हो जाता है द चांस वॉज सो टेम्पटिंग आई थॉट टू नैप इट नाप का मतलब होता है कोई चीज़ को कैच करना यहाँ पर कैच करने का मतलब किससे है अपॉर्चुनिटी को तो जैसे ही बिली को वो चांस मिलता है भागने का मेरे के पास से तो वो उस चांस को कैच कर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है इट वॉज़ नॉट वेरी नॉटी आई एम श्योर इन द रैबिट फिर वो यहाँ पर कहता है कि इट वॉज़ नॉट वेरी नॉटी एक रैबिट uh, के लिए ये कोई बहुत नोटी uh, बात नहीं है उसका तो यह स्वभाव ही होता है कि वो चला जाता है ठीक है एंड स्टूडेंट्स जस्ट प्रायर टू द लाइन देयर वॉज अ वर्ड टेम्पटिंग का मतलब होता है लालच टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच ठीक है तो जब बिल्ली को वो चांस मिला तो वो इतना ज़्यादा उसमें वो उसको जाने नहीं देना चाहता था कि वो वहाँ से भाग गया ओ लेट नॉट योर काइंड हार्ट बी एंग्री विद मी फिर यहाँ पर बिली कहता है कि तुम मैरी प्लीज़ अपने उस दयालु हृदय में अब मेरे लिए कोई भी गुस्सा मत लाना तुम प्लीज़ मुझसे नाराज मत होना बट थिंक बट अ जॉय इट इज टू बी फ्री बट तुम गुस्सा लाने की जगह मुझसे गुस्सा होने के बजाय तुम ये सोचना कि एक कि फ्री होने में कितना आनंद है कितनी खुशी मिलती है जब इंसान या कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जब फ्री होता है तो उसे कितना जॉय फील होता है कितना वो खुश होता है टू सी द गार्डन ग्रीन वुड्स टू फील द फ्रेश एयर फिर वो कहता है कि तुम ये सोच के खुश होना ये सोचना कि मैं एक ग्रीन वुड्स एक हरे भरे जंगल में एक फ्रेश एयर को फील करते हुए कितना खुश होऊंगा टू स्कीप एंड टू प्ले एंड टू रन एवरीवेयर और मुझे इस बड़े से जंगल में खूब ज़्यादा कूदने फादने को का मौका मिलेगा खेलने का मौका मिलेगा और मैं जहाँ चाहूँ मैं वहाँ घूम सकता हूँ दौड़ सकता हूँ खेल सकता हूँ द फूड डैट टू गिव मी वॉज प्लेजेंट एंड स्वीट जो भी खाना मेरी तुमने मुझे दिया तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा वो बहुत ही अच्छा खाना हुआ करता था बहुत ही स्वीट हुआ करता था बट आई वुड रैदर टू बी फ्री दो विद नथिंग टू इट लेकिन मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेरी खुशी किस में है फ्री होने में है भले ही मेरे पास कुछ भी खाने के लिए ना हो ओ ग्लैड दे ऑल वर्ट टू सी मी बैक ओके okay, अब यहाँ पर बिली अपनी फैमिली की बात बता रहा है कि जब मेरी फैमिली ने देखा मुझे वहाँ पर वापस आते हुए तो वो सारे के सारे लोग बहुत खुश हो गए एंड एवरी वन वॉन्टेड टू गिव मी अ स्मैक और हर कोई मुझे जो है प्यार से सब चीज़ सारे इमोशंस मेरे पे उड़ेल देना चाह रहे थे डिक नॉक्ड ओवर ब्राउनी एंड जम्प्ड ओवर पन एंड द नेबर्स केम इन टू विटनेस फन अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो बिल्ली है वो मेरी को उसके घर की बात याद दिलाता है कि कैसे जो है आ, आ, सब लोग प्राउनी के ऊपर हम लोग जंप करते थे और पड़ोसी लोग आके ये जो हम लोग खेल रहे होते हैं मस्ती कर रहे थे होते तुम्हारे एक छोटे से रूम में उसको देखने के लिए आते थे तो यहाँ पर वो याद दिलाता है कि यहाँ पर जंगल में तो मैं इतना आज़ाद हूँ लेकिन तुम्हारे घर पर सब पड़ोसी के लिए मैं एक सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट हुआ करता था अब यहाँ पर माई फादर सेट समथिंग बट कुड नॉट बी हर्ट अब यहाँ पर एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन बिली बता रहा है कि जब मेरे पिता ने मुझे देखा तो वो उन्होंने कुछ कहा लेकिन वो इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए थे कि कुछ भी जो है मुझे सुनाई नहीं दिया माई मदर लुक डेट मी बट स्पोक नॉट अ वर्ड और मेरी माँ ने मतलब मदर रैबिट ने जब मुझे, मुझे देखा तो वो कुछ भी कह ही नहीं पाई एंड वाई शी वॉज लुकिंग हराइज पिकिंग पिंक और मुझे जब वो देख रही थी तब उनकी आँखें गुलाबी हो गई लाल हो गई एंड शी शेड अ फ्यूच यर्स और फिर उनकी आँखों से कुछ आंसू टपके आई वियरली थिंक वियरली का मतलब होता है वास्तव में ठीक है फिर वो कहता है कि मैंने ये चीज़ सोची मतलब कि ये चीज़ वास्तव में हुई और मेरी माँ मुझे देख करके रोने लगी टू हिम हु अ होल और अ पैलेस इनहैबिट्स शॉर्ट्स ऑफ ब्रिंग्स टू मैन एंड टू रैबिट आर डियर टू अस ऑल ए स्वीट लिबर्टी अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स दिस इज एक्चुअली द मैसेज और द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोम कि कोई भी इंसान कभी भी किसी भी बंदिश में रहना पसंद नहीं करता है चाहे वो आई मीन नॉट नॉट ओनली इंसान नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एनी बींग कोई भी जीव हो वो से हमेशा आज़ादी चाहिए होती है ठीक है तो कोई भी इंसान चाहे वो महलों में रह रहा हो चाहे वो महलों का निवासी हो इनहैबिट्स मतलब होता है निवासी ठीक है और हैबिटेट का मतलब होता है रहने वाली जगह निवास स्थान ठीक है तो चाहे कोई महलों में रह रहा हो चाहे वो एक आ, बिल में कोई एक जानवर रह रहा हो इन दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही तरह के जीव के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लिबर्टी लिबर्टी मीन्स फ्रीडम आज़ादी स्पेशली मेरी टू यू एंड टू मी और तुम्हारे लिए भी क्योंकि तुम इंसान हो तुम्हारे लिए भी आज़ादी ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा पसंद सबसे ज़्यादा फेवरेट आ, कोई चीज़ अगर है किसी की तो वो है लिबर्टी इंसान या कोई भी जीव हर हर फेज में लिबर्टी चाहता है एंड टू मी और मैं एक जानवर हूँ तो मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है लिबर्टी ठीक है सो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर सेंडिंग दिस लेटर तो मैं मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी मैं तुम्हारे प्यार को जो है न, न, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूँ तुम्हारा दिया हुआ खाना मुझे बहुत पसंद था तुम मेरा बहुत केयर करती थी लेकिन मेरे लिए मेरी आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये सब सोच के तुम मुझे माफ़ कर दोगी टू टेल यू आई एम सेफ एंड फील सो मच बेटर और मैंने तुम्हें इस पर्टिकुलर लेटर को इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं अब सुरक्षित हूँ और मैं बहुत ही बेहतर फील कर रहा हूँ कट और सॉर्ट्स ऑफ केपर्स केपर्स एक्चुअली होता है छोटा छोटा जो झाड़ियाँ होती हैं ठीक है ठीके? और जो है क्या कहते हैं जब उसमें लोग कुत्ते फाँदते हैं तो फिर वो बिली बताता है कि सारी सारी झाड़ियों से कुत्ते फाँदते हुए और बहुत ईसिली एक्ट करते हुए जब मैं तुम्हारे पास था ठीक है उन सब सब सारी बंदिशों को मैं तोड़ करके यहाँ पर आ गया हूँ लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारे लिए डिवोटेड रहूँगा तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अफेक्शन और प्यार रहेगा तुम्हारा बिली स्टूडेंट्स द मेन थीम और दू कैन से द टारगेट विच द पोएटिस वॉन्ट टू टेल यू ठीक है जो एक मेन कंटेंट कन्वे करना चाह रही है पोएटिस कि एक्चुअली कोई भी जीव हो उसे हमेशा जो है लिबर्टी और आज़ादी चाहिए होती है ठीक है सपोज uh, दैट आप कोई केज में किसी आप तोते को रखिए या कोई भी पक्षी रखिए द मोमेंट दैट पर्टिकुलर बर्ड गेट्स चांस वो पक्का उड़ जाएगी ठीक है तो वो पिंजड़े चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो है तो वो पिंजड़ा ही ओके स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोम If you have any issues or any query you can ask me in comment box i would love to help you all so students keep studying keep loving my channel god bless you all thank you